डुमरी प्रखंड के इसरी बाजार रेलवे फाटक स्थित क्षितिज हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक लड़का और 2 लड़की है। बताया कि बुधवार के अहले सुबह 3 और 4 बजे के बीच तीनों बच्चों का जन्म हुआ। बता दें कि अनीता देवी के पति तुलसी सिंह बुवारो जिले के पेक निवासी हैं। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार जच्चा और बच्चा सभी सुरक्षित हैं। इसरी बाजार इलाके में इस तरह का यह पहला मामला है जब किसी महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी अनीता देवी गर्भवती थी। उसके पति तुलसी सिंह ने बताया कि पत्नी की अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया था। इसके बाद भी वह लगातार अपनी पत्नी पर ध्यान रखते हुए सभी अन्य जांच करवा रहे थे, जब उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी, जिस पर वे उसे क्षितिज हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां उसकी डिलीवरी नॉर्मल की गई। उन्होंने बताया कि पूनम खालको एवं गाइडलाइन चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने जाँच रिपोर्ट आदि देखने के बाद इलाज शुरू कर दिया। 3 बच्चों के जन्म से परिवार के लोग काफी खुश हैं। पूरे अस्पताल में खुशी का माहौल है, क्योंकि यह पहला मामला है जो क्षितिज हॉस्पिटल में एक साथ 3 स्वस्थ बच्चों ने जन्म लिया और जच्चा बच्चा स्वस्थ है। वहीं परिवार वालों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अस्पताल के डॉक्टर एवं नर्स समेत अस्पताल के सभी कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए क्षितिज हॉस्पिटल से मिलने वाली सुविधा से परिवार वाले पूरे खुश दिखे। वहीं तुलसी सिंह ने बताया कि मुझे लड़की चाहिए थी, लेकिन भगवान के दुआ से 2 लड़की एवं 1 लड़का प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार भी खुश है और भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित हैं। नाम तुलसी सिंह है, मेरा घर टेक है, टेक बोकारो जिला बोकारो पड़ता है। अब कौन सा? हम तीसरी हॉस्पिटल दीक्षित। हाँ, दीक्षित हॉस्पिटल में। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? हम अपना वाइफ को लाए थे डिलीवरी के लिए जी, घर में सुविधा नहीं रहने के कारण जी कुछ तो रास्ते में दुविधा उसे लगने लगा जी, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत अच्छा हमको व्यवस्था मिली। हाँ, व्यवस्था मिली और नॉर्मल डिलीवरी हो गया। हाँ, डॉक्टर सबको और स्टाफ सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और कितने कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे। अच्छा, उसमें लड़के भी हैं? लड़के 1 है, 2 हैं। अच्छा, ये डिलीवरी होम हुई या सीजर हुआ है? मतलब क्या हुआ है? नॉर्मल हुआ। बच्चे सबका कोई दिक्कत या उनकी माँ को? कोई दिक्कत नहीं, सब स्वस्थ हैं। सब स्वस्थ है। किस तरह का आपको सुविधा मिल रहा है हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से अच्छी सुविधा मिल रही। आप संतुष्ट हैं ना? हम संतुष्ट हैं, सभी से संतुष्ट है, डॉक्टर से, स्टाफ से, मदद हॉस्पिटल के तरफ से जहाँ मिलते हैं सरकारी सुविधा आप लोग। ये तो बहुत खुशी की बात है कि एक साथ 3 बच्चे हुए हैं, ये सौभाग्य की बात है। इसमें क्या कहना है आपका? तो सब ऊपर वाली की बात है, जैसे लड़की के अथीन थे, इच्छा में थे, लेकिन भगवान ने हमको 2 एक लक्ष्मी के रूप में दे दिए हैं, मुझे बहुत आभार है। नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा ही हुआ है और ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट बेबी बोलते हैं, मतलब 3 बच्चा एक साथ जो है हुआ है, जिसमें 2 लड़की है और 1 लड़का है। तीनों अभी ठीक ठाक कंडीशन में है, थोड़ा कमज़ोर होने के कारण उसको NICU में अभी रखा गया है, अदरवाइज अभी स्टेबल है, अभी ठीक ठाक है, बच्चे की कंडीशन अभी ठीक है। और महिला की क्या स्थिति है सर? महिला भी अभी स्वस्थ है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसका हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ेगा उनको, क्योंकि उनका खून जो है काफ़ी कम है शरीर। सर, इससे पहले भी इस हॉस्पिटल में कभी ऐसा केस हुआ है कि? नहीं, ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ट्रिपलेट बेबी का डिलीवरी, वो भी नॉर्मल द्वारा, ये इस हॉस्पिटल में पहली बार। जनरली ट्रिपलेट बेबी अगर होता है तो जनरली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जी, लेकिन ये 3 बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा ही यहाँ पर संपन्न हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है, नॉर्मली ही डिलीवर करवाया है। थैंक यू सर।